न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या 16 बतलाई गई है। सूत्रकार महर्षि गौतम अपने न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र में ही इन 16 पदार्थों की चर्चा करते हुए बतलाते हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः। इन 16 पदार्थों में दूसरा पदार्थ है प्रमेय। यह प्रमेय 12 प्रकार का होगा, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय का प्रमेय सामान्य परिचय इस रूप से हम ज्ञान कर पाएंगे। सबसे पहले 16 पदार्थों की चर्चा हुई। प्रमाण सर्वप्रथम पदार्थ है जो 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। दूसरा पदार्थ प्रमेय है। यह प्रमेय 12 प्रकार का कहा गया है, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम की दृष्टि में परिगणित किए गए हैं। सबसे पहला प्रमेय है आत्मा। इस आत्मा का लक्षण किस प्रकार का होता है, अनेक सूत्रकार और भाष्यकार इसकी विवेचना करते हैं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान जहाँ रहता है उसे आत्मा कहते हैं, और यह ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि ज्ञान गुण है और आत्मा द्रव्य है। एतावता गुण और गुणी का, द्रव्य को ही हम गुणी कहते हैं, गुण जहाँ रहता है उसे हम गुणी शब्द से व्यवहार करते हैं, और ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है, इन दोनों का संबंध समवाय होगा। तो ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, इसलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा। मुक्तावलीकार विश्वनाथ लिखते हैं, आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणम ही सकर्त्रिकम्। आत्मा ज्ञान आदि का अधिष्ठाता है, ज्ञान गुण जहाँ रहता है उसे हम आत्मा कहते हैं। यह आत्मा 2 प्रकार का बतलाया गया है, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। परमात्मा एक ही है, यह सर्वज्ञ होता है, नित्य ज्ञानवान होता है, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ होता है, अनंत होता है, क्योंकि प्रत्येक शरीर में यह जीवात्मा भिन्न भिन्न रूप से रहता है। इस जीवात्मा में 14 गुण रहते हैं और परमात्मा में 8 गुण रहते हैं। जीवात्मा अनंत हैं, प्रत्येक शरीर में यह भिन्न भिन्न रूप से रहता है, इसलिए इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानान्यात्मनो लिंगम, यह न्याय सूत्र में बतलाया गया है। इसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख के द्वारा हम आत्म पदार्थ को, आत्मा नामक प्रमेय को जान सकते हैं। परमात्मा एक ही होता है, सर्व विषयक ज्ञान वाला होता है, और इसे नित्य ज्ञान वाला कहा जाता है। परमात्मा में सुख दुख का कारणभूत अदृष्ट है, जिसे हम पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म के नाम से जानते हैं, यह परमात्मा में अदृष्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए इसमें सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा प्रमेय है शरीर। शरीर का लक्षण चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, ऐसा न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम कहते हैं।
अंत्यावयवित्वे सति चेष्टा श्रेयत्वम शरीर लक्षणम। यह शरीर अंत्यावयवी है और चेष्टा का आश्रय है, इसे हम शरीर कहते हैं। यदि इस लक्षण में हम अंत्यावयवित्वम यह विशेषण पद नहीं दें तो हस्तपादादि में भी यह लक्षण चला जाएगा, क्योंकि हस्तपादादि में चेष्टा होती है तो उस चेष्टा का आश्रय हस्त इत्यादि हो जाएंगे, इसलिए हस्त आदि में शरीर का लक्षण संक्रांत होने लगेगा। एतावता इस शरीर के लक्षण में हम अंत्यावयवित्वे सति इस विशेषण पद का उपादान करते हैं। इंद्रिय, इंद्रिय का लक्षण करते हैं। शरीर संयुक्तम ज्ञान कारणम इंद्रियम, शरीर में यह संयुक्त होता है और ज्ञान का कारण है। ज्ञान का संपादन, ज्ञान तभी हो पाएगा किसी वस्तु का, किसी विषय का, जब यह इंद्रिय शरीर के साथ संबद्ध हो। इंद्रिय शरीर के साथ संयोग संबंध से रहता है, क्योंकि इंद्रिय भूत पदार्थ से उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसलिए जो भौतिक पदार्थ होता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग संबंध होता है, तो शरीर संयुक्तम ज्ञान कारणम इंद्रियम, इंद्रियम इंद्रिय का लक्षण है। यह इंद्रिय अतींद्रिय होता है। क्यों अतींद्रिय होता है? जो वस्तु किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य हो उसे हम सेंद्रिय पदार्थ कहते हैं, पर इनमें से कोई भी इंद्रिया किसी भी इंद्रिय से गम्य नहीं होता है, अतः इन इंद्रियों को हम अतींद्रिय शब्द से व्यवहार करते हैं। इंद्रियों की संख्या कितनी है, ऐसे जिज्ञासा होने पर शास्त्रकार बतलाते हैं इंद्रियों की संख्या एकादश हैं, 11 हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 अंतरेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय जो 5 है वह है घ्राण रसना चक्षुष त्वक श्रोत्र, कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ, ये 5 हैं, और अंतर इंद्रिय 1 है जिसे हम मन शब्द से जानते हैं। यह अंतर इंद्रिय मन जिस इंद्रिय के साथ संबद्ध होगा तत्तद विषय का ज्ञान यह मन करा पाता है। बिना अंतर इंद्रिय के किसी भी वस्तु का ज्ञान बिल्कुल संभव नहीं है। प्रश्न यह है, इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक? भौतिक से तात्पर्य भूत पदार्थ से जायमान जो हो उसे भौतिक कहते हैं, और जो भूत पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो उसे अभौतिक कहते हैं। ऐसे जिज्ञासा होने पर न्याय सूत्रकार गौतम कहते हैं, घ्राण रसन चक्षुस्तक स्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः, जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र, ये 5 भूत पदार्थ से उत्पन्न होती हैं ये इंद्रियां। ये 5 भूत कौन हैं? तो पृथिव्यप् तेजो वायुराकाशाः भूतपदवाच्याः। न्याय सूत्रकार एक सूत्र भी लिखते हैं, पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम इति भूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भूत पदार्थ कहे जाते हैं। पृथ्वी से घ्राण की उत्पत्ति होती है, इसलिए घ्राण इंद्रिय को हम पार्थिव इंद्रिय कहते हैं। जल से रसना की उत्पत्ति होती है जिसे रस का ज्ञान हो पाता है, इसलिए रसना को हम जलीय इंद्रिय शब्द से व्यवहार करते हैं। तेज से चक्षु की उत्पत्ति होती है, इसलिए चक्षु को हम तेजस इंद्रिय कहते हैं जिससे रूप का ज्ञान हो पाता है। आकाश से श्रोत्र की उत्पत्ति होती है, इसलिए श्रोत्र को हम आकाश इंद्रिय बोल सकते हैं, श्रोत्रेंद्रिय बोल सकते हैं। धन्यवाद।